चलिए गाइज, एक और लोन एप्लीकेशन में लेकर हाजिर हूँ जो कि बहुत बढ़िया और बहुत ही फास्ट लोन अप्रूवल करता है। यहाँ से आपको 100% गारंटी के साथ लोन भी मिलता है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ गाइज कि कोई भी एप्लीकेशन अगर फीस के नाम पे आपको पैसे मांग रहा है तो भैया उस एप्लीकेशन में आपको फीस के नाम पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फ्रॉड एप्लीकेशन होती हैं जो पैसे मांगती हैं। यहाँ तक ये भी एप्लीकेशन अगर बोलता है कि मुझे पैसे दो फीस के नाम पे, तो आप फीस के नाम पे एक रुपया भी मत दीजिएगा, आपके पैसे डूब जाएंगे, आपको लोन नहीं मिलेगा गाइस। तो यहाँ पे देखेंगे अभी इसकी 10K+ डाउनलोडिंग है, 2.3 की इसकी रेटिंग हो चुकी है। तो अभी न्यू एप्लीकेशन है और न्यू एप्लीकेशन हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं गाइज, यानी अच्छा वर्क करते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा ओपन करेंगे और आगे के थोड़ी बहुत प्रोसेस को भी हम देख लेंगे गाइज। सबसे पहले यहाँ पर जब क्लिक करके आप ओपन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आ रहा है ओके आई गॉट इट। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर प्लीज चेक द परमिशन। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिए इस तरह से, एक बार ऊपर नीचे करके यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक करके ओके आई गॉट इट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अलाउ करना है, जो भी परमिशन मांगता है यहाँ से आप उसे फटाफट जो है कि परमिशन दे दीजिए, क्योंकि विदाउट परमिशन कोई भी एप्लीकेशन वर्क नहीं करता गाइस। अब भी यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ा स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कि 50,000 तक का लोन यहाँ पे आपको दिया जाता है। बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं गाइस जो बोलते हैं कि 50,000 तक का लोन देने के लिए हमको 200, 300, 400 इस तरह का फीस लगता है। तो आप फीस के नाम पे मैंने पहले ही बताया कि कुछ भी नहीं देना है, सीधी बात, क्योंकि जो अच्छे एप्लीकेशन होते हैं जो लोन देते हैं वो आपसे फीस नहीं लेते गाइस। वो लोन देने के टाइम आपके अमाउंट से फीस काट लेते हैं, लेकिन पहले वो फीस के नाम पे आपसे एक रुपये भी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, कितना लोन आप लेना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ पे अगर यहाँ पे 2,000 लोन के लिए अप्लाई करना, तो इस तरह से कर लेंगे और अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देखिए आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है, मोबाइल नंबर मांगने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो गाइज अभी यहाँ पे एक OTP आएगा जो हमको यहाँ पे OTP को फिलअप करना होगा। तो गाइज यहाँ पे SMS OTP दिख रहा था, जब आप SMS OTP पे क्लिक करेंगे जहाँ पे सेकंड चल रहा है, तो एक OTP देखिए आ चुका है। तो हम यहाँ पे आपको OTP डाल के दिखाते हैं। तो चलिए मैंने OTP डाला और यहाँ पे मैं रजिस्टर इसे कर लेता हूँ गाइज। रजिस्टर करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाता है आपके सामने, देख सकते कि यहाँ पर आप कितना लोन लेना चाहते हैं, उस तरह से आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं अपने लोन को। और फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ पे, अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप अप्लाई क्लिक करते हैं गाइज, तो यहाँ पे आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो यहाँ पे पहले आपका नाम पूछ रहा है, तो आपको अपना नाम डालना है, बर्थडे डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी एक डालना है, और यहाँ पे करेंट सिटी जो आपका मेन सिटी है उसको डालना है। उसके नीचे आपको एड्रेस मांग रहा है, डिटेल एड्रेस जो आपका एड्रेस है वो डालना है। फिर उसके नीचे जिप कोड आपका चाहिए, तो जिप कोड यहाँ से आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको आता है यहाँ पर आधार एड्रेस, तो आधार सिटी जो है आप डाल दीजिए, जो आपके आधार कार्ड पे जो सिटी का नाम है वो डालिए, उस पर एड्रेस है तो वो एड्रेस यहाँ पर डालिए, जिप कोड डालिए। यहाँ पे आप कितने पढ़े लिखे हैं एजुकेशन में वो आपको डालना होगा, मैरिट स्टेटस डालना होगा यानी जो आप कितने शादीशुदा हैं या नहीं है तो वो डालना होगा। यहाँ पे कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी का नाम यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पे मंथली सैलरी कितनी है वो डालना होगा। और यहाँ पे इंडस्ट्री अगर है तो यहाँ पे आप इसमें से जो है कि कोई भी आप जैसे वर्कर हैं, टीचर हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री जो भी आप मतलब लॉयर है, कौन सा आप जॉब करते हैं उस तरह से यहाँ पे आपको क्लिक करके ये सब चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा गाइस। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको सबमिट इन्फो, अप्लाई, ट्रांसफ़र और पेमेंट का आपको नीचे चार मेथड यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये सब आप करने के बाद जो है कि आप अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं और अपने लोन के लिए आप अप्रूवल कर सकते हैं। यहाँ पे माई प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको अपना प्रोफाइल दिख रहेगा, यहाँ पे लोन रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा, अगर लोन लिए रहेंगे तो अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है देख सकते हैं। यहाँ पे फीडबैक भी यहाँ से दे सकते हैं एप्लीकेशन को, यहाँ पे सेटिंग में आप चाहें सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ कस्टमर सर्विस भी बाकायदा दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉल यूज 91 यानी इंडिया कोड नंबर जो 9654485627, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपको जीमेल एड्रेस है, इसके थ्रू भी आप जो है कि उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कस्टमर केयर से, और आप बात भी कर सकते हैं कि क्या ये लोन प्रोवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप इस तरह से पूरा इसमें डिटेल दिया गया है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।